हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार से मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं बजरंग और आप जान रहे हैं रिट से संबंधित जो साइंस से में आने वाले जो टॉपिक हैं उसके बारे में। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखें दोस्तों, आज हम जो हमारा नेक्स्ट यानी पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था आपको, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट बताए थे। आशा करता हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र आपको समझ में आया होगा, फैक्ट आपको ध्यान में भी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो रिट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उस तक ये पहुँच सके। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं एक क्रमबद्धता से और जो आपका सिलेबस में टॉपिक दे रहा है उसकी एक श्रृंखला से चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और आपके लिए बिल्कुल ये मुफ्त में है दोस्तों। तो देखिए इस UMES यूट्यूब चैनल के साथ क्या है कि आपको मुफ्त में विज्ञान सिखाई जा रही है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप भी फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें यानी शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका शेयर और लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको रिट या जो टेट की जो एग्ज़ाम है जो साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से संबंधित, वह मैं पूर्ण करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, यहाँ पर हम शुरू करते हैं जैविक घटक से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ जानकारियाँ जो आपके क्या हैं काम में आने वाली हैं दोस्तों। तो ध्यान एडिंग डाल लें आप भी जैविक घटक, और जैविक घटक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उत्पादक के बारे में जानेंगे कि उत्पादक क्या है, कंज्यूमर क्या है यानी उत्पादक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि उत्पादक क्या है यानी उत्पादक भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं अगर ये देखें तो भोजन क्या बनाएंगे, भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति अगर देखें तो स्वयं पोषी हो गई, स्वयं पोषी। ठीक है, किस पर निर्भर रहेंगे, अगर निर्भर देखें तो निर्भर केवल सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। यानी भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकृति स्वयं पोषी है यानी, और निर्भर केवल सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक के कुछ लक्षण हैं, कुछ विशेष फैक्ट हैं। उदाहरण देखें तो जैसे उदाहरण में कौन से आ जाएंगे, तो शैवाल, शैवाल ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले पादप प्लावक, पादप ठीक है, पेड़ यानी पादप या पेड़ या पौधे जो हैं, ये सभी प्रकार के क्या हैं दोस्तों, उत्पादक। सबसे ज़्यादा यानी शैवाल उपयोगी होते हैं क्योंकि शैवालों से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो शैवाल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, विभिन्न प्रकार की घास हैं, जंगल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की साग झाड़ियाँ जो होती हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगर यहाँ देखें तो एकमात्र उत्पादक ऐसा जंतु है जिसे उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है और वो अपवाद के रूप में, यानी कौन सा दोस्तों, युगलेना। युगलेना एकमात्र ऐसा जंतु है जो उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि युगलेना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। और हरा प्रोटोजोआ कहने का कारण भी है क्योंकि युगलेना में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है दोस्तों। हरित लवक पाए जाने के कारण युगलेना को क्या कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, तो युगलेना को साथ ध्यान में रखेंगे, ऐसा जंतु जिसे उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है, उत्पादक की श्रेणी में जो रखा गया है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे युगलेना कहेंगे है, जो जंतु होता है। और एक है कि पादप और जंतु जगत की, यानी पादप व जंतु जगत की, जंतु जगत की योजक कड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तो योजक कड़ी में भी क्या जाएगा आपका, युगलेना आ जाएगा। ये है आपका उत्पादक दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में अगर देखें तो उत्पादक के बाद में कौन सा है, उपभोक्ता। उपभोक्ता दोस्तों, उपभोक्ता ठीक है, उपभोक्ता निर्भर किस पर रहेंगे, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन उपभोक्ता तीन प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों। एक तो कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर रहेगा किस पर, यानी उत्पादक पर। उत्पादक पर। प्रकृति किस प्रकार की है, तो प्रकृति है शाकाहारी। शाकाहारी यानी वे जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं केवल, यानी पेड़ पौधे या वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादक। अब अपने इर्द गिर्द जो उदाहरण हैं, जो ऐसे जीव जंतु हैं वो प्राथमिक उत्पादक में आ जाएंगे, जैसे क्या है, भैंस है, ठीक है, खरगोश है, ठीक है दोस्तों, गाय है, ये सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो किस पर है, प्राथमिक उपभोक्ता पर, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जो केवल उत्पादक पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर देखें तो कौन सा होता है, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता क्या रहेंगे दोस्तों, निर्भर किस पर रहेंगे, तो निर्भर रहेंगे प्राथमिक, प्राथमिक उत्पादक पर, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता पर, उपभोक्ता पर निर्भर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी अगर देखें तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो निर्भर किस पर रहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पर। प्रकृति क्या हो जाएगी, यदि प्राथमिक उपभोक्ता है तो इनकी प्रकृति हो जाएगी मांसाहारी। मांसाहारी जीव हैं, यानी इन जीवों पर निर्भर रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो मेंढक भी इसमें आ जाएगा कि मेंढक है, सॉरी मेंढक इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा क्योंकि घास है, घास को टिड्डा, यहाँ टिड्डा आ जाएगा, टिड्डा खाता है, तो टिड्डा को कौन खाएगा दोस्तों, उदाहरण देखें तो मेंढक, मेंढक, ठीक है। फिर देखें तो लोमड़ी, लोमड़ी, ये भी किस में आ जाएगी दोस्तों, मेंढक लोमड़ी, और यहाँ पर कौन सा आता है इसमें, हिरण, ठीक है दोस्तों। देखो प्राथमिक जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उसमें इसमें रखेंगे, जो उन पर निर्भर है जैसे मेंढक है, लोमड़ी, ये दोनों ही उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, और बहुत ही मोस्ट होते हैं ये दोनों उदाहरण, यानी मेंढक और लोमड़ी प्राथमिक उपभोक्ता के जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तीसरा देखें तो कौन सा है आपका, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में अगर देखें तो वे जीव जंतु जो यानी निर्भर रहेंगे, तो निर्भर किस पर रहेंगे, प्राथमिक प्लस द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, यानी दोनों पर निर्भर रहते हैं। यदि द्वितीयक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो प्राथमिक में चले जाते हैं, तो निर्भर प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दोस्तों मैं दे रहा हूँ, कौन सा, सेब, यानी सेब किस प्रकार का है, तो शेर एक तृतीयक उपभोक्ता है। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में आ जाता है कि शेर को रखा जाता है खाद्य श्रृंखला में कहाँ रखेंगे, उत्पादक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो आंसर डायरेक्ट क्या देंगे, तृतीयक उपभोक्ता। और यदि शेर खाद्य श्रृंखला के हिसाब से देता है तो अलग आंसर आता है। क्यों आएगा, जैसे अगर देखें तो घास, घास, घास को कौन खा रही है, हिरण, हिरण को कौन खा रहा है, लोमड़ी, ठीक है, और लोमड़ी को कौन खा रहा है दोस्तों, शेर, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कौन आ रहा है दोस्तों, शेर की श्रृंखला में आ रहा है, तृतीयक उपभोक्ता की श्रृंखला में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ऐसा कहता हूँ कि उत्पादक जो होते हैं, ये उत्पादक तीन प्रकार, सॉरी, जो जैविक घटक जो होते हैं वो जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला अगर हम देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उत्पादक है, उत्पादक यानी जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, घास है, शैवाल वगैरह है, पादप प्लवक है, जंतु प्लवक है, ये सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें तो उपभोक्ता, और उपभोक्ता क्या होंगे दोस्तों, तीन प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, निर्भर उत्पादकों पर, प्रकृति शाकाहारी जैसे टिड्डा, हिरण, भैंस, खरगोश, गाय, या आप जो इर्द गिर्द आप उदाहरण देखते हैं जो केवल क्या है, वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर किन्हें, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्रकृति किससे होती है, मांसाहारी,
जैसे मेंढक, लोमड़ी आदि, है ना। और तृतीयक उपभोक्ता निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता प्लस द्वितीयक उपभोक्ता पर रहते हैं, जैसे शेर है, शेर, ठीक है। जैसे अगर एक श्रृंखला देखें तो घास है, हिरण है, लोमड़ी है और शेर। अगर आपको डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि शेर किस श्रेणी में आता है, तो आप उस शेर को क्या करेंगे, यानी शेर जो है वो शेर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अब और देखें कि शेर, इसके बाद में हम यहाँ जो देखेंगे वो हमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला से संबंधित अगर देखें तो एक पोषण स्तर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? पोषण स्तर बनता है, ठीक है, यानी पोषण स्तर, ठीक है। जीव जंतुओं का विभिन्न प्रकार का एक पोषण स्तर बनता है, जिसे खाद्य श्रृंखला का भी एक क्या होता है, निर्माण होता है। तो पोषण स्तर बनने के लिए मैं एक आपको त्रिभुज बना रहा हूं कि पोषण स्तर में एक त्रिभुज बनता है, ठीक है। नीचे नीचे क्या है दोस्तों? उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों? उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन प्रकार के हैं, तो कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहां क्या करेंगे हम? प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, फिर कौन सा करेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और ये मैं 1 मिनट डैश कर रहा हूं, और ये क्या होंगे आपका? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ। अब देखें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सामान्यतः पोषण स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको इस डायग्राम के आधार पर ही बताना है कि आपसे पूछ ले कि सामान्यतः, सामान्यतः पोषण स्तरों की संख्या, पोषण स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या देंगे? 4, ठीक है। यदि पूछ ले कि जटिल खाद्य श्रृंखला में, यानी यहां क्या जी कि जटिल खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या, पोषण स्तरों की संख्या कितनी होती है, पोषण स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या देंगे? 5, क्योंकि यदि जटिल खाद्य श्रृंखला जब बनेगी तो उसमें तृतीयक उपभोक्ता को रखा जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो तृतीयक उपभोक्ता को आप कब रखना है? जटिल खाद्य श्रृंखला की पोषण स्तर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सामान्यतः पोषण स्तरों की संख्या कितनी, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 4 होना चाहिए। और यदि ये पूछ रहे कि जटिल खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या कितनी, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये पोषण स्तरों का जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पोषण स्तर, तो पोषण स्तर कितने होते हैं? 4 सामान्यतः और जटिल में। अब देखें आधार भाग पर क्या है, आपसे पूछ रहे कि आधार भाग में पोषण स्तर में क्या है? उत्पादक, उदाहरण भी हो सकता है। फिर आधार भाग, फिर यहां देखिए शीर्षस्थ में है, शीर्षस्थ क्या होंगे? वे प्राणी जिन्हें मारकर और कोई नहीं खा सकता, शीर्षस्थ हैं। जैसे कौन सा प्राणी है? मोर है, शेर है, और क्या है, यानी अगर देखें तो बाज है, ठीक है दोस्तों। तो शेर, मोर है, ठीक है, शेर है और बाज, ये शीर्षस्थ के कैटेगरी में आते हैं जिन्हें मारकर और कोई नहीं खा सकता। एक तो अपवाद होगा, वो बात अलग है। यहाँ पर तो मोर पूछा हुआ क्वेश्चन है, शेर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर शीर्षस्थ ऑप्शन में है तो हम शीर्षस्थ ही कहेंगे, क्योंकि शेर को मारकर और कोई नहीं खा सकता दोस्तों, ठीक है। तो मोर, शेर या बाज जो है, ये किस प्रकार के उपभोक्ता के, सॉरी, पोषण स्तर में शीर्षस्थ में आते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि तृतीयक उपभोक्ता किसके मध्य रखा गया है, तो द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्षस्थ के मध्य रखा जाता है। फिर अगर यहां देखें तो आधार भाग में ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक होगी। आपसे पूछ रहे कि किस पोषण स्तर में ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो उत्पादक में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। और फिर शीर्षस्थ में क्या होगा दोस्तों? शीर्षस्थ में सबसे कम ऊर्जा होगी, सबसे कम ऊर्जा, ठीक है,
कहीं दिमाग में ये मत ले लेना कि शेर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ ऊर्जा के हिसाब से है कि सभी उत्पादक कितने हैं, अगर उनको संगठित कर लिए जाए तो उनकी ऊर्जा अधिक होगी। एक शीर्षस्थ में तो एक दो ही जीव होते हैं उनकी तुलना में। तो आपसे पूछ लें कि उत्पादक यानी ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? उत्पादकों में। और सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? शीर्षस्थ प्राणियों में होती है। ठीक है, अब कैसे होती है तो हम एक लेडेमान का सिद्धांत पढ़ेंगे कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कितना प्रतिशत, 10%, वो उस नियम के अकॉर्डिंग है। तो आशा करता हूँ कि पोषण इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखें कि एक खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर बनता है उसमें सामान्यतः पोषण स्तरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और जटिल खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर होते हैं वो पोषण स्तर कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। यानी उत्पादक आधार भाग में रखे जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है दोस्तों। ठीक है, शीर्षस्थ में कम ऊर्जा होती है, आधार भाग में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मोर शेर बाज शीर्षस्थ प्राणी हैं और ये जो उत्पादक हैं, ये उत्पादक मैंने पिछले पीछे बताया है कि उत्पादक में कौन कौन से हैं, तो आपका पोषण स्तर समझ में आ गया होगा। अब देखें, यानी यदि एक खाद्य श्रृंखला जो होगी, एक खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक लंबी होगी, एक खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक लंबी होगी तथा खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा पारितंत्र अधिक स्थायी होगा? खाद्य श्रृंखला कम लंबी, जटिल खाद्य जाल, सरल खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक तीसरा जो बचा था आपका कौन सा? अपघटक। ठीक है, अपघटक को खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाता। एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, पहला इंपोर्टेंट है जो लास्ट में मैं बताता हूं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं। दूसरा देखें तो निर्भर किस पर रहेंगे अपघटक? तो मृत शरीर पर निर्भर रहते हैं अपघटक। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे कुछ जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, ठीक है, गिद्ध है। ये देखो, गिद्ध जो है ये मृत है, दीमक वगैरह जो होती हैं ये मृत जीव जंतुओं के शरीर पर ही क्या होते हैं दोस्तों? निर्भर रहते हैं। तो अपघटक जो मृत जीव जंतुओं के शरीर पर निर्भर रहते हैं उन्हें अपघटक कहेंगे। कुछ जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ गिद्ध हैं और इन्हें किसमें सम्मिलित नहीं किया जाता? खाद्य श्रृंखला में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है जिसे हम खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं कर सकते? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों उस समय? आपका आंसर होना चाहिए कि अपघटक को खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, गिद्ध, इन्हें देखो हम क्या कहेंगे, गिद्ध सफाई कर्मी, या इसे अपमार्जक भी कहते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लें कि प्रकृति का सफाई कर्मी या अपमार्जक किसे कहेंगे? गिद्ध, क्योंकि जो भी मृत जीव जंतु मर जाता है तो उस पर गिद्ध आकर बैठकर छड़ी ही क्या कर देते हैं, उसका भक्षण करते हैं और उसमें गंध वगैरह या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव या बीमारी वगैरह नहीं फैलती है, तो एक सफाई कर्मी कहा जाता है। आजकल ये क्या है, रेड डाटा बुक में चला गया, विलुप्त के कगार पर है दोस्तों, क्योंकि पैरासिटामोल की जो दवा वगैरह बनाने में गिद्ध का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो जैविक घटक में आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक समझ में आए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।